बिलासपुर में अभिभावक संघर्ष समिति आगामी 25 सितंबर को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिक्षण संस्थान संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए ज्ञापन सौंपेगी। स्वार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बूथ कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। कृषि अध्यादेश के खिलाफ 25 को हरियाणा बंद, किसानों ने सरकार को उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अरविंद केजरीवाल की गैर बीजेपी दलों से अपील, कहा राज्यसभा में कृषि बिल के खिलाफ करें वोट। तीन किसान विरोधी अध्यादेशों के विरोध में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन विरत और उपवास। 72 साल की उम्र में भी महिलाओं के बिना नहीं रह पाता था बुजुर्ग, संबंध बनाने के दौरान हो गई मौत। देहरादून के सहारनपुर चौक के पास पड़ा मिला शव। संभल में प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव सेवा सप्ताह मनाते हुए भाजपाइयों ने किया पौधारोपण। शाहबाद में किसानों की हुई पंचायत में बिजली विभाग के मीटर रीडरों द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ कल बिजली घर पर धरना देने का ऐलान किया। संभल और चंदौसी क्षेत्र में प्रदेश सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी कल करेगी जोरदार प्रदर्शन। बदायूं के जिलाधिकारी और एसएसपी ने समाधान दिवस पर फरियादियों की शिकायतें सुनी और निस्तारण करने के अधीनस्थों को दिए कड़े निर्देश। स्वार में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के होने वाले चुनाव में शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी घोषित किया। लखनऊ में कार चलाना सीख रही महिला ने मजदूरों को रौंदा, एक की मौत बख्शी का तालाब इलाके के चंद्रिका देवी रोड की घटना। सहारनपुर के तीतरो गांगो मार्ग पर डीसीएम को ट्रक ने मारी टक्कर, लुधियाना जा रहे चार श्रमिकों की दर्दनाक मौत। महाराजगंज पुलिस ने 478 ग्राम हेरोइन के साथ तीन तस्कर किए गिरफ्तार, 4,78,00,000 कीमत की है हेरोइन। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर 5,00,000 लोगों से ठगे करोड़ों रुपए, 5 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी बनेगा हिंदी फिल्मों का गढ़, सीएम योगी से मिले फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, फिल्म सिटी पर हुई चर्चा। मेरठ के होटल में माता पिता के सुसाइड के बाद अकेली रह गई बच्ची, खाना खिलाने के साथ हर जिम्मेदारी निभा रहे पुलिसकर्मी। योगी के अधिकारी पड़े माफियाओं के पीछे, जमींदोज किया माफिया अतीक अहमद का आलिशान दफ्तर। कृषि विधेयकों को लेकर हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित, कांग्रेस ने बताया कृषि विधेयकों को किसानों के लिए डेथ वारंट, तो भाजपा ने लगाया गुमराह करने का आरोप।